सो गाइस इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी के रिलेटेड टॉप 7 अपडेट्स। यहाँ दोस्तों रोज की तरह आज भी प्रो कबड्डी के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं नई वीडियो जब भी डाल रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक नहीं पहुँच पा रही है और ये बहुत सारे इशू बन के चल रहा है हमारे चैनल के साथ। तो गैस मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि अनसब्सक्राइब करने के बाद फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि नई वीडियो जब भी आए उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। बहुत सारे जन सब्सक्राइब कर लेते लेकिन जो बेल आइकन है उस पर ध्यान नहीं देते, तो जरूर बेल आइकन को एक बार देख लीजिए जो ऑल पे सिलेक्ट है कि नहीं। अगर ऑल पे सिलेक्ट नहीं होगा तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो गाइस यहां पे अब बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस यहां पे सबसे पहले अपडेट निकल जाता है प्रो कबड्डी के रिलेटेड। दोस्तों यहां पे प्रो कबड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया जहां पे लिखा है कि इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पीकेएल मेड इट बिग इन इंडिया विद द लव एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल आवर फैंस। हियर्स हाउ प्रो कबड्डी लीग बिकम इंडिया सेकंड मोस्ट फॉलो स्पोर्ट्स लीग, और उसी का एक आर्टिकल का लिंक दिया गया है। प्रो कबड्डी ने यही कहा है कि प्रो कबड्डी मतलब कि आज इंडिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फॉलो स्पोर्ट्स लीग है, और उसी के रिलेटेड उन्होंने प्रो कबड्डी ने अपने अपने ऐप में या फिर अपने वेबसाइट पे इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो वाला आर्टिकल देख सकते हैं। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल कर आता है दीपक निवास हुड्डा के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे दीपक निवास हुड्डा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है प्रो कबड्डी के रिलेटेड। यहाँ पे उनका यही कहना है प्रो कबड्डी के बारे में कि बिफोर प्रो कबड्डी देयर वाज नॉट मच स्कोप इन कबड्डी, नाउ पीपल रिकॉग्नाइज ऑल द पीकेएल प्लेयर्स वेर एवर वी ट्रेवल इन द कंट्री। यानी कि पहले प्रो कबड्डी को इतना नहीं जानती थी, मतलब कि प्रो कबड्डी का प्लेयर्स या फिर कबड्डी का स्पोर्ट जो भी कह सकते उनको इतना नहीं जानते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब कभी भी जाते कहीं पे भी जाते तो यहाँ पे प्रो कबड्डी प्लेयर्स को भी अब धीरे धीरे सब जन जानने लगे हैं। तो चलो सब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट निकल के आता है पीकेएल ओवर द ईयर्स के रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको प्रो कबड्डी सीजन 1 से लेके प्रो कबड्डी सीजन 7 तक का बता दिया, अब यहाँ पे मैं आपको प्रो कबड्डी सीजन 7 का बता देता हूँ। बस यहां पे प्रो कबड्डी सीजन 7 में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉइंट लेने वाली टीम थी दबंग दिल्ली, जो 819 टोटल पॉइंट्स ली थी। मोस्ट रेड पॉइंट्स लेने वाली टीम थी यहाँ पे दोस्तों बेंगलुरु बुल्स, जो 533 रेड पॉइंट्स लिया था। एंड यहाँ पे मोस्ट डुअर डायरेक्ट पॉइंट्स लेने वाली टीम थी जयपुर पिंक पैंथर्स, जो 80 डुअर डायरेक्ट रेड पॉइंट्स लिए थे। एंड मोस्ट टैकल पॉइंट्स लेने वाली टीम थी पुनेरी पल्टन, जो 264 टैकल पॉइंट्स ली थी। एंड यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 7 की MVP खिलाड़ी थे नवीन कुमार, और प्रो कबड्डी सीजन 7 के चैंपियन थे बंगाल वॉरियर्स। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। दस यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है मध्य प्रदेश सीनियर स्टेट मेंस कबड्डी चैंपियनशिप के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे हमें बस यहाँ पे हमें रनर अप टीम मिल चुकी है और साथ ही साथ सेकेंड रनर अप टीम मिल चुकी है। जो रनर अप टीम है वो है इंडोर ए की टीम, एंड जो सेकेंड रनर अप टीम है वो है RCC भोपाल की टीम। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। दस यहाँ पे अगला अपडेट निकल जाता है गुजरात फॉर्चून जायंट्स के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे गुजरात फॉर्चून जायंट्स एक फोटो अपलोड किया जहाँ पे लिखा है कि रोहित गुलिया स्कोर अ टोटल ऑफ 241 पॉइंट सो फार। यानी कि गुजरात फॉर्चून जायंट्स के इंस्टा पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि रोहित गुलिया ने अब तक टोटल 241 पॉइंट्स स्कोर कर चुके हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है प्रो कबड्डी के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे प्रो कबड्डी ने एक मतलब कि प्रदीप नरवाल पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे फोटो अपलोड किया जहाँ पे लिखा है कि आई यूज टू वॉच रेडर्स लाइक राहुल चौधरी एंड अनूप कुमार ऑन TV प्लेइंग इन PKL सिंस देन आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ मेकिंग इट बिग इन द प्रो कबड्डी लीग। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है कि आई यूज टू वॉच, यानी कि मैं टीवी पे राहुल चौधरी को देखता हूँ, अनूप कुमार को देखता हूँ कि कैसे वो खेलते हैं, एंड प्रो कबड्डी में वो बहुत ही बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं, मतलब इसी के पीछे कोई सीक्रेट है। तो चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट निकल के आता है किरण रिजिजू के रिलेटेड। उसमें यहाँ पे प्रो कबड्डी ने एक फोटो अपलोड किया है जहाँ पे प्रो कबड्डी ओलंपिक्स में आने वाला उसी के रिलेटेड यहाँ पे IG2 अपलोड किया है, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे प्रो कबड्डी ने लिखा कि वी विल एग्रेसिव पुश फॉर कबड्डी टू बी अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स, रेज योर हैंड्स इफ यू वॉन्ट टू सी PKL सुपरस्टार्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट करके
जरूर बताइए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको थोड़ी पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाकर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।